सो दोस्तों स्वागत है एक और धांसू और धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको शॉर्ट्स पर थंबनेल लगाना सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे भाई एक जो शॉर्ट्स होता है ना उसको चलने के लिए भी थंबनेल लगता है। अब लोग सोचते होंगे अरे ये तो पागल हो गया है, क्योंकि मेरे भाई लॉन्ग वीडियो पे ही थंबनेल लगते थे तो ये तो कह रहा है कि शॉर्ट्स पे भी थंबनेल लगाओ। मेरे भाई हाँ, जो ये शॉर्ट्स क्रिएटर होते हैं ना ये अपनी वीडियो पे थंबनेल लगाते हैं, जिससे उनका चैनल भी ग्रो होता है और बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। आपको नहीं पता था इसीलिए आपके 1,000, 2,000, 3,000 तक व्यूज आ रहे थे। आप इस वीडियो को देख लो और आप भी सीख जाओगे कि एक तगड़ा कैची थंबनेल जो बढ़िया तरीके से लोगों को आंखों में भाता है और वो कैसे बनाया जाता है। मेरे भाई आपको बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आप भी सीख जाओगे एक थंबनेल बना के जो अपनी वीडियो में कैसे लगाया जाता है। अगर आप भी सीख गए ना तो मेरे भाई बस आप इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। आपके थंबनेल की वजह से आपका शॉर्ट्स ज्यादा चलने लगेगा, क्योंकि मेरे भाई मैंने आपको बहुत सारे शॉर्ट्स के चैनल भी बनाने सिखा दिए हैं, वो आपने बनाना चालू भी कर दिया है। इसीलिए आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे बनाना है और थंबनेल कैसे लगाना है, जिससे आपके व्यूज भी बहुत आएंगे। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देख लो, शुरू से लेकर एंड तक देख लो। आप एक स्टेप स्टेप करके देखोगे ना तो मेरे भाई आपको भी पता चल जाएगा कि थंबनेल में ये कलाकारी तो हमको पता ही नहीं थी। ये कलाकारी अगर मैं कर लेता तो मेरे भी आज तक शॉर्ट्स वायरल हो गए होते। मेरे भाई आपको बस ये देखना है, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स बना के देखे हुए। मेरे भाई जो मैंने कलाकारी सीखी है ना वो आपको बताने वाला हूँ, तो बस आपको वीडियो ध्यान से देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है ना इसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे भाई मैं ऐसा कंटेंट इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों आपको मैं पहले प्रूफ दिखा देता हूँ, मतलब कैसे कैसे व्यूज आते हैं। ये देखिए, ये एक बंदा है, इसने ऐसा थंबनेल लगा रखा है कि लोग इसको देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी की वजह से इसके पे 411,000 व्यूज आ गए हैं। अब देखिए, ये लड़की है, दो टायर को लेके खड़ी है, बट मेरे भाई इसके अंदर ऐसा कोई ज्यादा कांड नहीं हो रखा। मैं भी आपको भी दिखाऊंगा अभी ये कि कैसे बना रखा है। मेरे भाई ये देखो, ये बंदा है, इसके अंदर अभी इसका आपका मैं वीडियो दिखाऊं ना तो देखिए कंटेंट क्या है और थंबनेल पे क्या दिखा रखा है। मेरे भाई ये होता है तरीका, ये होता है रिस्पेक्ट शॉट। अगर आप भी अपनी कोई वीडियो खुद की पर्सनल भी बनाते हैं तो आप उसमें एक ऐसा टाइप थंबनेल डाल दो जिससे लोग उस पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए, और एक बार किसी ने क्लिक कर दिया तो 25 से 30 सेकंड की वीडियो आराम से कोई भी बंदा देख लेता है, और ऐसी वीडियो देखने के बाद मेरे भाई वो और ज्यादा रिकमेंड करता है। अब आप उससे कोई भी लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलोगे ना तो वो मेरे भाई करेगा। अब देखिए इसमें और भी कितने सारे कंटेंट है। अब आपको लगता है कि लड़की ऐसी बॉडी होगी, मेरे भाई नहीं, फिर भी देखो 3,20,000 सब्सक्राइबर वे मतलब व्यूज इसमें आए हैं, देखो इस थंबनेल की वजह से। अभी आपको थंबनेल लगाना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल एडिट करके। पहले तो वीडियो एडिट करने सिखाऊंगा कि वीडियो एडिट करते समय कि आपको थंबनेल कैसे लगाना है, आपको उसके बीच में एक ऐसी चीज डालनी है कि लोगों को देखने पे मजबूर हो। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आया और शॉर्ट्स का मैंने फॉर्मेट ले लिया, ये मैंने शॉर्ट्स का फॉर्मेट ले लिया। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एक वीडियो डाउनलोड कर ली थी कि भैया मैं आपको जो सब्सक्राइबर हैं अपने दोस्त हैं उनको मैं सही तरीके से सिखा देता हूँ, कि देखो मैंने ये पूरी वीडियो डाउनलोड कर ली। अब मेरे को इसके बीच में एक जगह मारना है कट, ये देखिए ये कट मार दिया, और इसके बीच में मेरे को लगाना है मेरे भाई एक कोई भी फोटो ले लो, कोई भी ले लो, ये देखो जैसे ये हो गए, ये मैंने लगा दिया। मेरे भाई अब आपको ना इसको पूरा जूम कर देना है सही तरीके से। जूम करने के लिए आपको इसको पैन एंड जूम के ऑप्शन पे क्लिक किया और कर दिया जूम। अब आप देखोगे नरेंद्र मोदी जी इसमें क्या बता रहे, आप ऐसी इसमें चीज लिख दो। अब देखो इसके ऊपर ये सिर्फ आना चाहिए मेरे भाई 2 सेकंड के लिए, आप इसको लास्ट में भी डाल सकते हैं और बीच में भी डाल सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये 14 से स्टार्ट हो रही है, 14 सेकंड से चालू हो रही है, ये 16 तक हमारी खत्म हो जानी चाहिए, बस यहाँ पे खत्म होना हो जानी चाहिए बस। अब लोगों के सामने बस इतना सा ये जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और ये हट भी जाएगा। और ये देखिए जैसे मैंने कर रखा था ना, ये पैन एंड जूम के ऑप्शन पे अभी नीचे नीचे सिलेक्ट हुआ है, तो मेरे भाई इसको पूरे ऑप्शन में क्लिक कर दो। अब ये जैसे इसमें पूरा आ गया ना, अब आपको यहाँ पे लिखना है मेरे दोस्तों। आपको अगर ऐसा करके लिख दोगे ना, मतलब ये तो मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं,
मेरे भाई आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, एक बहुत बड़ा भयंकर किसी भी फोटो लगा सकते हैं जिससे लोगों को देखने में उसमें अट्रैक्शन बढ़े। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं बहुत मतलब नई खबर करके ऐसे लिख देता हूं जिससे लोग देखने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। अरे क्या बता रहे है? ये देखिए नई खबर, और इसके आगे लगा देता हूं एक इमोजी जिससे लोग और ज्यादा वो जाए। ये देखो ये लगाई, अब यहां डाल देता हूं इसको मैं। आप इस जगह पीली पट्टी भी लगा सकते हैं या फिर ब्लैक पट्टी भी लगा सकते हैं, आपको बस उसको दिखाना है सही तरीके से। अब देखिए मैंने डाल दी, बस इतनी सी जगह पे रहनी चाहिए और कहीं नहीं रहनी चाहिए, बस ये इतनी सी जगह पे सिलेक्ट होनी चाहिए। मैं आपको थंबनेल लगाना सिखा रहा हूं, आपको कुछ और नहीं देखना, बस इस पे थंबनेल लगाना सीखना है। अब देखिए ये दिख नहीं रहा होगा ना आपको सही तरीके से, तो मेरे भाई आप इसका यहां से कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको रेड कर दीजिए जिससे और सही तरीके से दिखेगा, और इसमें डाल दीजिए एक बैकग्राउंड कलर करके डाल दीजिए, और इसमें कर दीजिए पूरा उसको येलो। अब ये सही तरीके से लोगों को दिखेगा। अब इसको मैं और पकड़ के बड़ा कर देता हूं, ये हो गया पूरा सेट, ये हो गया सही तरीके से सेट। अब जो भी देखेगा, अरे नेताजी कुछ बड़ी खबर बता रहे हैं, तो मेरे भाई वो देखने के लिए उत्साहित हो जाएगा। अब इसका आप फॉन्ट चेंज कर लीजिए, यहां से रोबोट ब्लैक करके रोबोट बोल्ड करके यहां से इसका फॉन्ट चेंज कर लीजिए। ये देखिए और भी इसमें बड़ा हो गया है। अब जैसी मेरा ये सब चीज हो गया ना, बस अब मुझे इसको करना है एक्सपोर्ट, यहां से एक्सपोर्ट कर लेता हूं मैं इसको जल्दी से। ये हो गया 360p पे, मैं जल्दी से अपलोड कर लेता हूं, मतलब डाउनलोड कर देता हूं जिससे आपको मैं सही तरीके से सिखा पाऊं, क्योंकि मेरे भाई मैं कट नहीं लगाता किसी वीडियो में, मैं कट लगाऊंगा ना तो आपको लगेगा ये फर्जी वाला करता है या ऐसी बातें बताता है, मेरे भाई मैं कट नहीं लगाता, इसीलिए मैं आपको सही तरीके से सिखाना चाहता हूं। अब देखिए जैसे ही मेरी पूरी अपलोड मतलब रेंडर हो जाएगी, तो मैं आपको अपलोड करते समय एक तरीका सिखाने वाला हूं। अब उसको आप अगर सही तरीके से देख लेते हो, ये देखो ये हो गया पूरा। अब मैं आ गया अपने इस पे यूट्यूब पे, अब यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके क्रिएट अ शॉर्ट पे क्लिक नहीं करना मेरे को, जो भी एक शॉर्ट बनाने वाला क्रिएट अ शॉर्ट पे क्लिक करता है ना बहुत बड़ा मूर्ख है। आपको अपलोड करने के लिए अपलोड अ वीडियो पे क्लिक करना है, आप यहाँ पे क्लिक करिए और ये जो आपने वीडियो बनाई थी इस पे क्लिक कर देना है। अब ये देखिए ये आपके सामने सारी चीज आ गई, आपको सीधा यहां से नेक्स्ट कर देना है और यहां पे भी नेक्स्ट कर देना है। अब लोग कहेंगे अरे यार ये तो सब कुछ कर दिया इसने, अब कहां से होगा? रुको, आप आए हो सुमित के भाई के पास, आपको सब तरीके से सिखाऊंगा। ये देखिए जो पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे आपको ये पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है जिससे मेरे भाई यहाँ पे आपके थंबनेल लगाने का तरीका मिलेगा। ये एक पूरी टाइमलाइन आ गई आपके पास। अब आपको यहाँ पे मेरे भाई वो लगाना है जो आपने नेताजी के वो लगाया था ना, वो आपको यहाँ पे सही तरीके से लगा देना है। ये देखिए दोस्तों ये मैंने सही तरीके से पूरा लगा दिया, अब आपको डन पे क्लिक कर देना है। अब जैसी आप देखेंगे ना तो लोगों के सामने क्या चीज जाएगी, ये जो नई खबर और लिखा है ना मैंने, ये जाएगी। अब आप इसको और अपनी तरीके से लगा सकते हैं, मैंने तो एक बस एग्जाम्पल पे आपको सेट करके दिखाया है, बट आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं। अब मेरे भाई अगर आपको शॉर्ट्स वायरल करने में दिक्कत आई थी तो एक बार थंबनेल लगा के ट्राई करो। आप ब्लॉग बनाते थे तो ब्लॉग में कुछ ऐसी चीज दिखा दो कि बंदा क्लिक करने के पे मजबूर हो जाए, पूरी नीचे तक चला जाए फिर भी तुम्हारे वीडियो को देखने के लिए ऊपर आए। आप बस अपने थंबनेल पे एक नया तरीका लगाओ जिससे लोग देखने के लिए एंगेज हो, और एक बार वहां पे रुक गए तो 25 से 30 सेकंड वीडियो देखने में उनका कुछ ही नहीं जाता, पूरे पूरे दिन स्क्रॉल करने से ना तुम्हारी भी वीडियो आती है जिससे वो देखते हैं सही तरीके से। बस आपको थंबनेल लगाना आना चाहिए, आपको ज्यादा देर वो नहीं रखना, आपको बता ही दिया मैंने 2 सेकंड मैक्सिमम, मिनिमम तो आप 1 सेकंड रखो जिससे आपको पता चले, बस मैक्सिमम 2 सेकंड जिससे आपको अपना थंबनेल दिखा सके सही तरीके से। जो बड़े बड़े शॉर्ट्स वाले क्रिएटर है ना, ये जो 4 मिलियन 5 मिलियन 80 मिलियन लेके गए हुए हैं मेरे भाई, ये ना थंबनेल की वजह से चलते हैं अपने आप, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारी मिक्सन मर्च बनाते हैं बट थंबनेल पे ना वो ऐसी चीज लगाते हैं कि आप क्लिक करने पे मजबूर हो जाओगे। अब जो आपने लड़की वाली फोटो देखी थी उस पर आपको भी लग रहा होगा इसकी इतनी बॉडी कैसे बन गई,
तो मेरे भाई उसकी कोई बॉडी नहीं बनी, बस उसने फोटो ले रखी है और आप उसमें रिएक्शन देके अपनी वीडियो बन गई। लोग उस पर क्लिक करने पे इसलिए मजबूर हुए कि उसने फोटो ऐसी लगा रखी थी। आप भी ऐसा लगा के सही तरीके से कर सकते हैं। ये मेरे भाई एक गलत तरीका भी होता है, बट आपको इसमें एक हेल्दी वे में दिखाना है, आपकी वीडियो के अंदर है। लोग ना ये बड़ी वीडियो में क्या करते हैं, एक गलत साइन देते हैं कि थंबनेल पे ही कुछ और दे रहे हैं, अंदर कुछ और दे रहे हैं। ये आप में इसमें नहीं होगा, ये आपके इसमें नहीं होगा मेरे भाई। आपके इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप सबसे पहले दिख रहा है ना, वही आपकी वीडियो में है, चाहे एक सेकंड के लिए है बट है। तो मेरे भाई अगर आपको सही तरीके से शॉर्ट्स पे थंबनेल लगाना आ गया हो तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो। और अपने जो दिक्कतें जो सारी होती है ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं एक एक मेरे भाई का कमेंट पढ़ता हूँ और उसको रिप्लाई करता हूँ कि मेरे भाई की कोई भी दिक्कत रहनी नहीं चाहिए। मैं सबसे पहले उनको रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको सच में रिप्लाई चाहिए तो मेरे भाई कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए मेरे दोस्त, नमस्ते और जय हिंद।